हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। हम आपके बीच आ चुके हैं एक नए वीडियो लेके। पीएसएल से रिलेटेड ये वीडियो है जो आपको 8वें मैच के बारे में है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पीएसएल से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं वो सारे के सारे आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक हमारा दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक को जाके फॉलो करिए, क्योंकि जो जो भी मैच चल रहे हैं वो सारा का सारा अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम आ रही है। तो बात करते हैं पीएसएल के 8वें मैच के बारे में। 8वां मैच जो है दोस्तों, वो आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच में मैच होने वाला है। 23 फरवरी का मैच है, शाम को 7:30 का मैच होगा। और बात करें दोनों टीमों के बारे में, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही बेहतरीन टीम है और पिछले सीजन भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, और इस सीजन में हम उम्मीद करेंगे कि टॉप 4 में आपको दिखे। अगर हम क्वेटा की बात करें तो क्वेटा का पिछला सीजन काफी निराशाजनक रहा था। पूरे सीजन में सिर्फ 3 मैच ही विन की थी, लेकिन अगर हम इस सीजन की बात करें तो इन्होंने कैप्टन को चेंज किया, कुछ नए प्लेयर्स को अपने टीम में ऐड किया है। और इस सीजन आप प्रदर्शन में भी आप देखेंगे कि शुरू के दोनों मैच ये टीम जीत के आ रही है और बहुत ही बेहतरीन टीम है और बहुत ही बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है। इस मैच की अगर हम बात करें तो ये एक जैकपॉट मैच होने की बहुत उम्मीद है, क्योंकि दोनों की बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। अगर आप क्वेटा को देखें तो पहले मैच में 200 और दूसरे मैच में भी 200 के करीब रन बना के आ रही है। अगर वही हम इस्लामाबाद की बात करें तो पहले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद दूसरा मैच थोड़ा सा सही नहीं रहा था, उनका पिछला मैच हार के आ रही है। और इससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, दोनों नंबर को अपने ब्रॉडकास्ट में जाकर ऐड हुई है। क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी, हमारे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैच का एनालिसिस आता है कि कौन सी टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी, कौन से पिच पे कैसा मैच होगा, लेकिन जो आपको फाइनल टीम आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे ब्रॉडकास्ट पे आएगी। तो इस नंबर को आप ऐड करिए, वहां पे आपको फाइनल टीम मिलेगी। तो आर्यन क्रिकेट प्रेडिक्शन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को जाके आप फॉलो करिए और जाके आप देखिए कि पीएसएल के जितने भी मैच हुए इससे पहले, 7 मैच हुए, वो सातों का सातों आपको अपडेट है और जीत का सिलसिला जारी है। और पूरे पीएसएल सीजन में 90% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको मैच वहां पे मिलेगा। अगर हम बात करें हेड टू हेड के मुकाबलों के बारे में, अगर हम पिछले 10 मैचों को देखें तो पिछले 10 मैच में से दोनों टीमों का पलड़ा काफी बराबरी करा है। देख सकते हैं कि 5 मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स और 5 मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको जीत के आ रही है। अगर पिछले सिर्फ 5 मैचों की हम बात करें तो क्वेटा ग्लेडिएटर उस 2023 सीजन को भी ऐड करके पिछले 5 में से 4 विन और 1 लॉस के साथ आ रही है, और इस सीजन दोनों का दोनों मैच अपना जीत के आ रही है। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो पिछले 5 में से सिर्फ 1 ही मैच में जीत है, और इस सीजन की बात करें तो 2 में से 1 विन और 1 लॉस के साथ आ रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे चैनल पे टीम रिपोर्ट दी हुई है कि कौन सी टीम विन करेगी। पिछले मैच का भी आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड दिया हुआ है मैच एंट्री, और जो भी हम टीम देते हैं वो मैक्सिमम आपको विन के साथ मिलती है। और ये हमारे जो कुछ क्लाइंट है जो इस मैच में प्रॉफिट बना के दिए हैं आपको। अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट के बारे में तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ये मैच खेला जाएगा, और टोटल मैच की हम बात करें तो टोटल अभी तक 43 मैच आपको खेले जा चुके हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 28 मैचों में जीत दर्ज की है और चेसिंग टीम ने 15 मैचों में जीत दर्ज की है। अगर आप देखें तो पलड़ा काफी भारी है बैटिंग फर्स्ट मैच का, लेकिन अगर हम इस सीजन की बात करें या पिछले सीजन की भी बात करें तो लाहौर पाकिस्तान में लाहौरी एक ऐसा स्टेडियम है जहां पे मैच डिफेंड होते हैं, लेकिन यहां भी आपको हाई स्कोर चाहिए डिफेंड के लिए। आप देखे होंगे कि लाहौर में 2 मैच हुआ, पहला मैच जो हुआ लाहौर खुद वहां पे हार के आ रही है, और जो दूसरा मैच हुआ वो भी लाहौर वहां पे हार के रही है। दोनों में 197 स्कोर हुआ, तो 180 के ऊपर एबव रहेगा तो ही आपको डिफेंड होने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरा का पूरा, पाकिस्तान में हर पिच आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच है और वो आपको 6 मैच 7 मैच में आपको उम्मीद लग चुका होगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि सिर्फ एवरेज स्कोर यहाँ पे 177 रनों का है, यानी एवरेज 177 का, और हाईएस्ट स्कोर 245 रनों का है यहाँ पे, और लोएस्ट स्कोर 76 रन का। तो पूरे मैच में जो उम्मीद है वो आपको 170 से ऊपर ही स्कोर देखने को मिलेगा, और पीएसएल में बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपको 170 से कम स्कोर देखने को मिलेगा। अगर पूरे लीग में अगर 34-35 मैच है तो आपको 5 ही मैच में ऐसा होगा कि 170 से कम आपको स्कोर देखने को मिलेगा। अगर हम स्कोरिंग पैटर्न को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दर्शा रहा है कि इतने सारे मैच में 43 मैच में सिर्फ 7 बार ही ऐसा हुआ है कि 150 से कम स्कोर हुआ है। अगर वही हम 150 से 169 के बीच की बात करें तो 9 बार, 170 से 189 के बीच में 13 बार, और 190 से ऊपर 14 बार, यानी कि लगभग 35% मैचों में 190 से ऊपर बना है। अगर आप इस दोनों को भी देखें तो 170 से 189 के बीच में भी 13 बार स्कोर है, यानी कि आप ओवरऑल 60 से 70% मैच में 170 से ऊपर ही आपको यहाँ पे स्कोर होता है। और दोनों की बैटिंग जिस तरीके से है इस सीजन में, क्वेटा और इस्लामाबाद की, इस मैच में हम उम्मीद करेंगे कि आपको 170 से ज्यादा ही स्कोर देखने को मिले। अगर हम गद्दाफी स्टेडियम के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस सीजन का
ये ओवरऑल रिकॉर्ड था। अगर हम इस सीजन की बात करें तो इस सीजन एवरेज स्कोर 181 है। इस सीजन और भी पिच बेहतर हुआ है बैटिंग के लिए, हालांकि एवरेज सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है 153 रनों का है, हाईएस्ट टोटल 245 का और लोएस्ट टोटल 76 रनों का। अगर हम हाईएस्ट चेस की बात करें तो 203 रन यहाँ पे हाईएस्ट चेस हुआ है और लोएस्ट डिफेंड 182 है। मैंने बोला कि लाहौर में आपको मैचेस डिफेंड होते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको 180 का स्कोर चाहिए, तभी जाके यहाँ पे मैच डिफेंड होगा। अगर हम मैच के वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो आपको अभी तो 20 डिग्री टेम्परेचर है, 50% ह्यूमिडिटी और 1% बारिश की चांस है। हालांकि मैच में बारिश से कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है आपको। अगर हम विनिंग बैट परसेंटेज की बात करें तो 63% विनिंग फर्स्ट बैटिंग और विनिंग बॉलिंग की चेसिंग टीम की बात करें तो 38% यहाँ पे चेसिंग टीम का विनिंग परसेंटेज है। तो जाहिर सी बात है कि जो टीम भी टॉस जीतेगी आपको बैट करना ही पसंद करेगी इस पिच के अनुसार। लेकिन हालांकि इस सीजन जो पिच का रिपोर्ट है काफी चेंज हुआ है, तो देखते हैं मैच के टाइम में क्या होता है। जो भी रिपोर्ट आएगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर बने रहिएगा हमारे साथ मैच टाइम में। अगर वही हम प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वेटा की तरफ से आपको सरफराज अहमद, एक पुराने प्लेयर है, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। जेसन रॉय इनके लिए की प्लेयर पिछले साल भी थे और इस साल भी की प्लेयर है, और जब ये चलेंगे तो मैच में ऐसे ही क्वेटा आपको काफी आगे नजर आती है अगर जेसन रॉय चलते हैं तो। साथ में रैली रसो के ऐड होने से इनकी बैटिंग भी मजबूत हुई है और एक बेहतरीन कैप्टन भी मिला है। इस सीजन प्रदर्शन भी इनका काफी अच्छा रहा है। अगर हम इस बॉलर की बात करें तो अकील हुसैन हो गए, मोहम्मद वसीम हो गए, इन लोगों का भी प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। अकील हुसैन ऐसे प्लेयर है जो लगभग हर लीग में आपको इकोनॉमिकल नजर आते हैं, अगर विकेट ना भी ले तो मैच में आपको काफी इकोनॉमिकल नजर आएंगे, तो इनके लिए की फैक्टर हो सकते हैं रैली रसो, अकील हुसैन, जेसन रॉय। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो इस्लामाबाद की तरफ से आपको कॉलिन मुनरो और एलेक्स सेल्स, ये दोनों ओपनर हैं। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर लीग में आपको खेलते हुए नजर आएंगे और 2020 के बहुत ही स्पेशलिस्ट और बेहतरीन बल्लेबाज हैं। हालांकि इस सीजन दोनों का बल्ला कुछ खास चला नहीं है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस मैच में दोनों बेहतरीन प्रदर्शन करके दे आपको। साथ में अगर थर्ड डाउन की बात करें तो आगा सलमान है आपको, इनका सीजन काफी अच्छा जा रहा है और पिछले कुछ समय से चाहे वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप हर जगह इनका बैट चला और काफी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिए हैं। और सदाब खान की बात करें तो पीएसएल के भी एक स्टार है जो बैट और बॉल दोनों के साथ आपको ऑप्शन देते हैं। साथ में आजम खान आपके विकेट कीपर, ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है। जॉर्डन कॉक्स, इमाद वासिम, ये भी आपको एक ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं बैट और बॉल दोनों के साथ। फहीम अशरम, साथ में आपको नशीम शाह को इन्होंने पिछले साल अपने टीम में ट्रेड किया है जो इनकी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग को काफी बेहतरीन बनाते हैं। साथ में टाइम मिल्स रहेंगे और उबैद साई इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। अगर हम क्वेटा की बात करें तो जेसन रॉय, साउथ सकील का भी सीजन काफी अच्छा जा रहा है और इनका भी पिछले आप कुछ समय से देखेंगे तो व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों में इनके काफी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिए। ख्वाजा नफे एक नए प्लेयर हैं, वहां के अंडर 19 के प्लेयर हैं, इनका पिछला मैच काफी अच्छा गया था, पिछले मैच में ये मैन ऑफ द मैच भी थे और इस सीजन उम्मीद करेंगे कि आपको बेहतरीन प्रदर्शन करके दे, क्योंकि पाकिस्तान में काफी चर्चे हैं इनके बारे में। अगर हम बात करें रैली रसो के बारे में तो ये भी अपने अकेले दम पे मैच को पलटने की खासियत रखते हैं। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में किसी भी लीग को उठा के देख लीजिए, जिस दिन इनका बल्ला चलता है उस दिन मैच को पलटने की खासियत रखते हैं। सरफराज अहमद एक्सपीरियंस प्लेयर, पुराने कैप्टन इनके विकेट कीपर के रूप में। सेरफन रदरफोर्ड के आने से भी टीम मजबूत नजर आती है क्योंकि नीचे में आपको एक अच्छे हिटर के तौर पर नजर आएंगे टीम में। अकील हुसैन इनके बॉलर हो गए। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो स्पिन में अकील हुसैन इनको बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन देते हैं। साथ में मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद वसीम जूनियर आपको जरूरत पड़ेगा नीचे 7 नंबर 8 नंबर पे, तो बैट से भी कुछ रन बना के दे सकते हैं। मोहम्मद आमिर को भी इन्होंने ट्रेड किया इस सीजन और साथ में अबरार अहमद को, तीन दोनों के आने से भी इनकी बॉलिंग काफी मजबूत हुई है और यही रीजन है कि पिछले सीजन पूरे सीजन में 3 मैच जीतने वाली टीम इस साल 2 में से 2 विन के साथ आपके सामने नजर आ रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन मैच होगा और उम्मीद करेंगे कि एक जैकपॉट मैच आपके लिए हो। लेकिन जो भी मैच में रिपोर्ट आएगा वो टॉस के बाद आपको आएगा। टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फाइनल टीम दी जाएगी, तो वहां पे आपको टॉस के बाद हम अपडेट करेंगे कि कौन सी टीम विन करने वाली है। जो भाई लोग प्लेइंग ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं उनके लिए भी हमने कुछ की प्लेयर चूज किए हुए दोनों टीम से मिला के। तो विकेट कीपर्स में हमने जॉर्डन कॉक्स को लिया हुआ है, साथ में आजम खान को लिया हुआ है। आजम खान का पिछला सीजन भी मिला जुला ही रहा था, लेकिन काबिलियत है इनके अंदर, जिस दिन भी चलेंगे मैच को पलट सकते हैं, काफी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और साथ में हमने बैटर्स की बात करें तो सब स्टार बैट्समैन हो गए आपको, रैली रसो, एलेक्स सेल्स, कॉलिन मुनरो, जेसन रो, ये चारों के चारों ऐसे बल्लेबाज हैं जो पूरे के पूरे साल आपको 2020 लीग खेलते हैं और अपने अपने देश के लिए भी सुपरस्टार रह चुके हैं। तो चारों जिस दिन भी चलते हैं मैच को अकेले पलटने की काबिलियत रखते हैं। साथ में अगर ऑलराउंडर की हम बात करें तो इमाद वासीम और सादब खान, इमाद वासीम आपको
और सादम खान दोनों स्पिन के साथ साथ निचले तौर पे बैटिंग के साथ भी आपको बेहतरीन ऑप्शन देते हैं। और सादाब खान का बैट भी इस सीजन चला है, पिछले फर्स्ट मैच में ही 70 रन की काफी बेहतरीन पारी खेल के आ रहे हैं। अगर हम फास्टर की बात करें तो मोहम्मद आमिर एक फास्ट बॉलिंग के एक सुपर स्टार है, साथ में टाइम मिल्स एक एक्सपीरियंस बॉलर और नसीम शाह आपको यंग बॉलर। नसीम शाह को भी इन्होंने ट्रेड करके लाया गया है फास्ट बॉलिंग को मजबूत करने के लिए और इस सीजन इनका प्रदर्शन बेहतर ही हुआ है और आगे उम्मीद करेंगे कि पूरा का पूरा सीजन इनका बेहतर जाए। तो ये हमारी तरफ से आपको प्लेइंग ड्रीम इलेवन टीम होने वाली है। नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक को जाके फॉलो करिए क्योंकि फाइनल जो टीम आएगी टॉस के बाद कौन सा प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, पिच कंडीशन कैसा हो जाता है या बारिश होती है नहीं होती है, तो इसके अनुसार हम लास्ट टाइम में अपना प्लेइंग 11 भी चेंज करते हैं, ड्रीम 11 भी चेंज करते हैं और जो फाइनल टीम होती है विनिंग टीम होती है वो भी आपको चेंज होती है। तो टॉस के बाद जो भी फाइनल अपडेट होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएगा। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो कीजिए, वहां पे सारा अपडेट आपको मिलेगा और इस दोनों नंबर को जाके अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लीजिए, सारा मैच रिपोर्ट आपको वहां पे मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए मैच के साथ।